देखिए, हमें कुछ कॉल्स आए थे कि जो अकाली दल के लोग हैं, दूसरी पार्टीज के कुछ लोग हैं, पैसे बांट रहे थे और कुछ गाड़ियों से लेकर कुछ बूथ्स के ऊपर जो है वहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग मैसेजेस भी आए और गाड़ियाँ पे खूब धमकाया जा रहा था। तो हमें फ़ोन आया, तो हमें देखने जाना ज़रूरी था कि कौन लोग हैं और क्यों धमका रहे हैं हमारे लोगों को। और मेरी सिस्टर है, तो जब सिस्टर है उसके भाई के नाते जाके देखना ही पड़ेगा कि आपको क्या हो रहा है वहाँ पर। और उसी को देखने गए थे और वहाँ पे कुछ नहीं था। हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी है उसके अगेंस्ट, उन लोगों के अगेंस्ट, और वही थोड़ा कन्फ्यूजन था कि वहाँ पे क्यों गए हैं। बाकी ऑल इज़ वेल और आई होप कि जो पुलिस है उनके ऊपर एक्शन लेगी कोई। तो जो गाड़ी पुलिस ने कस्टडी में लिया, वो गाड़ी आपकी है किसी की? नहीं, गाड़ी मेरी नहीं है, पर वो उन्होंने इसलिए रखी थी कि उनको मैसेज दिया गया था कि शायद कुछ सस्पिशियस गाड़ी है, कुछ है। तो जब उन्होंने देखा कोई कुछ नहीं है तो उन्होंने रखी। अभी गाड़ी एनी मोमेंट आ गई, हो गई या आ चुकी होगी। बट आई थिंक हमारा जो कारण था वहाँ जाने का ये था कि ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं उसको रोका जाए और ये फेयर इलेक्शंस हो। तो ये रिमोट क्यों फैलाई जा रही है, क्योंकि मालविका काफ़ी आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, मालविका की जो पोजीशन देख के जो सामने बौखलाहट मचती है वो बताती है कि यू नो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और जो विरोधी लोग होते हैं उन्हें पता चलता है कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, और तो इसलिए बौखलाहट के अंदर ऐसी यू नो तरीके अपनाते हैं वो लोग। तो जो जैसे टी वी चैनल में ये खबर चल रही है, तो उसको क्या कहेंगे? मैं वही कहूँगा कि उनको पता ही है कि कुछ फेयर आपके सामने ही, आज हम बिल्कुल घर पे बैठे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। बट वही है कि अनफेयर इलेक्शंस कहीं नहीं होने चाहिए देश भर में, और जनता जो है उसे पूरा हक देना चाहिए कि वो सही ढंग से इलेक्शंस हों, फेयर इलेक्शंस हों। और आई थिंक वही इस समय जनता की डिमांड है। तो आप जो घर पे अभी वोटर बैठे हो, उनको क्या मैसेज? जितने वोटर्स हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि आप घर से बाहर आएँ, फेयर वोटिंग करें, सही जो कैंडिडेट है चुने। आपको पता है कि सही कैंडिडेट कौन है, कौन ईमानदारी से लोगों की मदद कर सकता है, ज़िंदगी बदल सकता है। तो इसलिए प्लीज़ आप बाहर आएँ, क्योंकि फिर 5 साल शिकायत करना यू नो वाजिब नहीं होगा अगर आप घर से बाहर आके वोटिंग नहीं करेंगे। तो आएँ, वोटिंग करें, किसी के बहकावे में ना आएँ। अगर आपको कोई लालच देने की कोशिश करता है पैसे का या किसी भी चीज़ का, तो प्लीज़ उसे मत माने, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी लालच आपके 5 साल की जो कीमत होता है वो नहीं दे सकता। तो हैव फेयर इलेक्शंस। और मैं दूसरे जितने विरोधी दल उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी फेयर इलेक्शन करें। हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन बौखलाहट के अंदर एक गलत मैसेज समाज में ना दें, और हमेशा खुश रहें।